नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, कनिक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेडिंग पर्यवेक्षक, नलकूप चालक, कार्य पर्यवेक्षक, राजस्व सहायक एग्जाम पेपर पार्ट 5 के बारे में, जो कि हमारा हुआ था 6 मई 2018 ईस्वी को। इसका आज लास्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे। इसमें भी हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस अप करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट्स और जो अगर हमने सॉल्व पेपर सॉल्व किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। आपको आने वाले पेपर का सिक्वेंस पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ से आता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है 40 की उत्तराखंड आनी है, 20 की हिंदी आनी है, 10 की रीजनिंग आनी है। तो ये चीज आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज देख लीजिएगा, सभी पार्ट्स को देख लीजिए। अभी भी आपके 28 को शायद पेपर है तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी जो ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज है उसमें आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप वो पार्ट्स देख रहे हैं तो आपको डिटेल में मिलेगी यहाँ से नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम खाली आंसर बेसिस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लिमिट ओनली 10 मिनट है। तो हमारा आज का 69वां पहला प्रश्न है कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है जयदत्त वेला जी को, कृपाराम मिश्र जी को, रामप्रसाद बहुगुणा जी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है दोस्तों जयदत्त वेला जी को। और बात आती है कि प्रजाबंधु नामक जो समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था, कहाँ से रिलीज होता था, तो ये रानीखेत अल्मोड़ा से निकलता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों इनके आंसर आप पहले खुद देने की कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 70वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या सरकार द्वारा। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए जाइएगा दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम है तो अपनी अपनी तैयारी को भी ट्राई कर लीजिए। तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा या पूर्ति के द्वारा, किसके द्वारा होता है दोस्तों, सी यानी कि दोनों के द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। 71वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है, रोम, रैम, एलसीडी या LSI या VLSI, ठीक है। दोस्तों एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होगा हमारा रोम, रोम यानी कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रोम, यानी कि जिसे बाद में बढ़ाया घटाया नहीं जाता, फिक्स्ड होकर आती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ए आंसर। अगला 72वां प्रश्न है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, 1938, 1939, 1940, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, गढ़वाल मोटर यूनियन के बारे में भी डिटेल में मैंने बताया है कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा वो पार्ट्स। अगला है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी, या सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद उच्च न्यायालय में। दोस्तों मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। इनके हनन के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। और कितने से कितना तक होता है दोस्तों, 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार आते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, पहले कितने थे, 7 थे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 300 कौ में भेज दिया गया है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने करी थी, ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर सॉल्स, ऑप्शन बी है डगलस एंजेलबर्ट, ऑप्शन सी है सी बी मेरिक, या ऑप्शन डी है रसेल ए क्रिस। तो सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज की थी ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि डगलस एंजेलबर्ट साहब ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज करी थी। अगला है दोस्तों 75वां खसकुरा भाषा का संबंध है, खसकुरा के बारे में भी मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में बता चुका हूँ, गोरखाली से, तिब्बती से, गढ़वाली से, कुमाऊनी से, आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो ये सारे क्वेश्चन मैं पहले कवर करा चुका हूँ। तो खसकुरा भाषा का संबंध होता है हमारा गोरखाली से, यानी कि ठीक है गोरखाओं से संबंधित, ऑप्शन ए इज राइट। अगला है मंगोलू ने किसके शासन काल में भारत आए थे, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या जलालुद्दीन। दोस्तों मंगोल भारत आए थे इल्तुतमिश के कार्यकाल में। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो उसके पश्चात राजगद्दी पर बैठा था, काफी महत्वपूर्ण राजा था, सब दिल्ली सल्तनत सल्तनत का इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा था। इसकी पुत्री का नाम क्या था, रजिया। रजिया कौन थी, पहली महिला शासिका जो कि बैठी थी, ठीक है, जिसने नकाब का विरोध किया था मुसलमानों में। 77वां प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी डिटेल में बता चुका हूं मैं, 1940, 1941, 1942, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय था बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। डायरेक्टली ये भी पूछा था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में, पहले कहाँ था, बंगाल में था, कब स्थापित किया गया, 1942। अगला है क्या, ये दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें से आपको जांच करनी है कि कौन सा कथन प्रभावशाली है और कौन सा नहीं है। तो कथन क्या है कि स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए, एक कथन यह है। तो इसके
उपलक्ष्य में तर्क क्या है हमारे? नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है। हाँ, यह किसी भी क्षमता तथा ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से आंसर बताना है कि केवल तर्क वन प्रभावशाली है, तर्क सेकंड प्रभावशाली है, दोनों प्रभावशाली है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उपयुक्त में से एक मिनट, क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए? नहीं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर तो आंसर की में डी दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर डी दिया गया आंसर की में, ठीक है? अगला हमारा 79वां क्वेश्चन है, वाराही देवी उत्तराखंड में कहाँ लगता है? ठीक है, या वाराही देवी मंदिर या मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है दोस्तों? तो दूनागिरी, दूनागिरी कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर स्थित है, ठीक है? देवीधुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है चंपावत जिले में, ठीक है? काफी इंपोर्टेंट है। देवीधुरा का मेला, बग्वाल मेला, पत्थर पाषाण युद्ध मेला, ये सब दोस्तों वाराही देवी मंदिर में ही लगता है, जो कि कहाँ स्थित है? देवीधुरा में। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, कब से स्टार्ट हुआ था, कब से नहीं हुआ था, ठीक है? अगला हमारा है 80वां प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी काफी बार बता चुका हूँ, सभी के बारे में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पाटलिदून स्थित है हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। खोज कब हुई थी 1936 में? किस नाम से? सर हेली नेशनल पार्क के नाम से। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा आप हमारी ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज, सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, 36-37 पार्ट्स हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, ठीक है? अगला 81वां प्रश्न है दोस्तों कि फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है हमारा दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसफर, फॉर्मूला ट्रांजिस्टर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मूला ट्रांजिस्टर नेम। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 82वां प्रश्न, द दून स्कूल का संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोगों को बताओ, सतीश रंजन दास जी हमारे द दून स्कूल के संस्थापक थे, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है? अगला है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं स्वीडन, डेनमार्क में, अलास्का, उत्तरी कनाडा में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में या उत्तर साइबेरिया में। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 84वां प्रश्न है कि देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन चार सिद्धपीठ में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माडक सिद्ध, मांडू सिद्ध, दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन चार सिद्धपीठों में से दोस्तों हमारा भैरव सिद्ध सम्मिलित नहीं है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? चमोली जिले में पड़ता है, ठीक है? और इसमें से चौथा जो सिद्धपीठ होना चाहिए था वो होना चाहिए था कालू सिद्धपीठ, ठीक है? तो लक्ष्मण सिद्धपीठ, माणक सिद्धपीठ, मांडू सिद्धपीठ और कालू सिद्धपीठ, चार जो सिद्धपीठ है देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है? भैरव सिद्धपीठ नहीं है। अगला 85वां प्रश्न है, किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख होगी 18 तारीख, और दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। आप देखिए पहली तारीख को सोमवार है, तो सोमवार से शनिवार तक हमारे कितने दिन हो जाते हैं दोस्तों? 7 × 12 = 12, 13 दिन हो जाते हैं, ठीक है? तो 13 से 4 दिन बाद, यानी कि 13 × 4 = 17, तो 4 दिन बाद 18वां दिन हमारा कौन सा होगा? बृहस्पतिवार होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगर आप लोग काउंट करते हैं सोमवार टू सोमवार, 7 × 7 = 12, ठीक है? 7 × 5 = 13, 13 में 4 = 17, तो कौन सी तारीख होगी? 18 तारीख होगी, दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार होगा, काउंट अप कर लीजिएगा। अगला 86वां 1 पासे की निम्न दो स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो अगर आपने लूडो खेला तो आपको पता होना चाहिए 2 के विपरीत कौन सा शब्द होगा? 5 होगा दोस्तों, 2 के विपरीत में क्या होगा? 5 होगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला है पंचाचुली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,6806 मीटर, ऑप्शन बी 7,120 मीटर, ऑप्शन सी 6,904 मीटर या ऑप्शन डी 7,456 मीटर। तो पंचाचुली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई हमारी 6,904 मीटर, ऑप्शन सी राइट है। ये आपको सारी डिटेल दोस्तों उत्तराखंड ज्योग्राफी वाली सीरीज में मिल जाएगी, तो जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड ज्योग्राफी में 5 वीडियो है, हमेशा एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। पंचाचुली, नंदा देवी, सभी की ऊंचाइयां पूछ ले रहा है, कामेट पर्वत की ऊंचाइयां कहाँ स्थित है, ये सब मैंने बता रखा है। 88वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा आर के धर जी उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 89वां प्रश्न कि आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। शाहजहां की पुत्री थी कौन? जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। आगरा लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है 90वां की निम्न में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो प्रसून जोशी जी को द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफी बार, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 91वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों हमारा 92वां प्रश्न है कि किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, बैकेट का, ट्रेल का, बर्ड का या थॉमसन का। दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ, 80 का बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त, 80 के अंतर्गत का बंदोबस्त। तो ये तीन अलग अलग प्रश्न है, मैं बता चुका हूँ अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट वाली सीरीज में डिटेल में, तो जरूर देख लीजिएगा। तो किसका बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो बैकेट का बंदोबस्त 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और 80 साला बंदोबस्त के नाम से कौन सा बंदोबस्त जाना जाता है, तो ट्रेल का बंदोबस्त जाना जाता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा, वरना बता चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 93वां प्रश्न है, ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए आपको 534 इक्वल टू 6 दे रखा है, 876 इक्वल टू 7 दे रखा है, 782 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 646 इक्वल टू क्या होगा पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो लगेगा, 5 + 4 करोगे तो 9, 9 में से 3 घटा दोगे तो 6, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ना है और बीच वाली को माइनस कर देना है। 8 में 6 जोड़ोगे 14, 14 में से 7 घटाओगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 8 घटाओगे 1, 6 में 6 जोड़ोगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला हमारा 94वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 1,86,250, ऑप्शन बी है 1,76,250, ऑप्शन सी है 1,86,292 या ऑप्शन डी है 1,76,258। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,86,292। उत्तराखंड की जो मैंने आपको जनसंख्या जनसांख्यिकी वाली प्लेलिस्ट में आपको 6 वीडियो मिल जाएंगे, हमेशा 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल में मिल जाएगा इसके बारे में। अगला हमारा 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में पूर्व पश्चिम की दिशा में सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है गारो खासी मिकिर नागा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है खासी गारो नागा मिकिर, ऑप्शन सी है मिकिर नागा खासी गारो, ऑप्शन डी है नागा मिकिर खासी गारो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागा मिकिर खासी गारो जो है हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। ए है 270वें अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 280वें अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 290वें अनुच्छेद या ऑप्शन डी है 260वें अनुच्छेद। तो भारत में वित्त आयोग का गठन दोस्तों संविधान के 280वें अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 97वां प्रश्न है कि निम्न में से वर्ष 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये क्या था हमारा, गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ऑप्शन डी इज राइट, गोविंद बल्लभ पंत जी ने वर्ष 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था। जो था 1919 में पारित हुआ था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी पूछा जाता है रॉयल एक्ट से संबंधित में, ठीक है। 98वां प्रश्न है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये मैं दोस्तों हिंदी की वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, हिंदी की प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा आप। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, अनुसूचियां कितनी है प्रेजेंट है, पहले 8 थी, आप कितनी है दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन, 31वें, 41वें या 30वें। तो सिंधी को जोड़ा गया दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला हमारा प्रश्न है 99वां कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड का 5वां धाम नाम से भी जाना जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। जागेश्वर धाम के बारे में भी शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज में या इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाले में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगला हमारा 100वां और लास्ट प्रश्न है इस पेपर का कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्न में से किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, और लागू या स्वीकृत कब किया गया, वो किया गया 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तावित किया गया था और कब स्वीकृत किया, प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947, स्वीकृत किया गया 18 जुलाई 1997। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 100 प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।